हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 3 क्रैश कोर्स का वीडियो 2 पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:7 एंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 200 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम भी सुबह बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉलीगॉन चैप्टर का है। जो कंपटीशन की बात करें या अदर एग्जाम की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन हम पढ़ाने जा रहे हैं, टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:7। आपको पता है पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है। तो इसमें जो है एडजेसेंट साइड गिवन है, वो रेशियो में गिवन है। एडजेसेंट साइड इट मींस दो साइड कांटेक्ट में होता है ना, तो उसी को एडजेसेंट साइड बोला जाता है। अगर हम बात करें तो एडजेसेंट साइड मैं रफ में आपको बता रहा हूँ, ए हो गया पैरेललोग्राम, तो ए हो गया, ये दोनों एडजेसेंट साइड हो गया। ए दोनों क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गया। ए दोनों क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गया। तो एडजेसेंट साइड का मतलब हो गया अपोजिट साइड्स को एडजेसेंट साइड नहीं बोला जाता है। दो साइड कांटेक्ट रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडजेसेंट साइड बोला जाता है। क्लियर है? अब ध्यान देने की बात ये है कि अब दो साइड रेशियो में गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, वो दो साइड का जो रेशियो है उसमें एक्स इंक्लूड करते हैं। तो लेट द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम बी 3x and 7x। हमने सपोज किया कि वो एडजेसेंट साइड 3x और क्या है 7x है। अब आपको पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, ये दो साइड का रेशियो गिवन है और ये पैरेललोग्राम का पेरीमीटर गिवन है। तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर गिवन है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 × sum of adjacent sides। अब पैरेललोग्राम का पेरीमीटर कितना दे दिया? 200 सेंटीमीटर। 2 × sum of adjacent side, तो sum of adjacent side क्या हो गया? 3x और प्लस 7x। क्लियर है? 2 से 200 को मैंने कट किया 100 टाइम्स और यहाँ 3x और 7x 10x इसका टू क्या हो गया? 100। 10 × 100 होता है x इसका टू क्या आ गया? 10 आ गया। तो 3x इसका टू क्या होगा? 3 × 10 30 सेंटीमीटर हो गया। सिमिलरली 7x, तो 7 × x का वैल्यू क्या डालेंगे? 10, तो क्या हो गया? 70 सेंटीमीटर। आपको यहाँ थोड़ा साइन कर रहा होगा, आइए इसको हम क्लियर कर देते हैं। आपको ये साइन कर रहा है उसका रियल क्या है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ जो आप लोग को साइन कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ 2 × क्या है? 2 × 3x + 7x और इज इक्वल टू क्या हो गया? 200। क्लियर है? ये यहाँ पे है जो आपको साइन कर रहा होगा वीडियो में। तो 2 से इसको मैंने कट किया 100 टाइम्स, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो गया? 100। तो 10 जा क्या हो गया? 100। x इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग 3x फाइंड करते हैं, तो 3 × क्या हो गया? 10। 30 सेंटीमीटर एक साइड हो गया और एक हो गया 7x, तो क्या हो गया? 70 सेंटीमीटर। तो अपोजिट साइड सर इक्वल पता है आपको, तो 2 हो गया 30 30 और 2 हो गया 70 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्लियर है? अब ध्यान देते हैं हम लोग, ये जो क्वेश्चन नंबर A2 है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर। ए स्क्वायर का जो पेरीमीटर गिवन है वो 16 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अब देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप बनाते हो तो ए स्क्वायर का प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। ए स्क्वायर का फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है मैं बता रहा हूँ, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डायगोनल्स आर इक्वल बट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपका स्क्वायर का प्रॉपर्टीज है, याद रखनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन क्या है? स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है तो उसे हम साइड फाइंड कर लेते हैं। अब साइड इसलिए फाइंड किया गया है कि डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 × साइड होता है।
तो हमने साइड फाइंड किया था, पेरीमीटर बाई फोर होता है, और पेरीमीटर क्या गिवन है 16 बाई 4, तो 4 4 जा क्या हो गया 16, 4 सेंटीमीटर आ गया। और डायगोनल हमने फाइंड किया था, डायगोनल होता है रूट टू इंटू साइड होता है, तो रूट टू इंटू साइड कितना आ गया 4 4, रूट टू सेंटीमीटर हो गया, क्लियर है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि पैरेललोग्राम और स्क्वायर, तो पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकता है, बट स्क्वायर इज ऑलवेज पैरेललोग्राम, तो स्क्वायर को हम ऑलवेज पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, बट पैरेललोग्राम को कभी भी हम स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। इसका रीजन क्या है, स्क्वायर का जो पैरेललोग्राम का जो टोटल प्रॉपर्टीज है स्क्वायर में मैच करता है, इसलिए हम स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम। लेकिन पैरेललोग्राम को स्क्वायर इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज है स्क्वायर में होता है, समझ में आ रही बात। पैरेललोग्राम का पूरा प्रॉपर्टीज स्क्वायर में होता है, इसलिए स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, बट पैरेललोग्राम को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। इसका रीजन ये है कि ये स्क्वायर का जो पूरा प्रॉपर्टीज है वो पैरेललोग्राम में मैच नहीं करता है, ये बात समझ लीजिएगा। यानी पैरेललोग्राम की बात करें और स्क्वायर की बात करें, तो मैंने स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको अभी मैंने बताया, और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है मैं क्लियर कर रहा हूँ। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हुआ। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, व्हाट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल ईच अदर। ये आपका इसका प्रॉपर्टीज हो गया, इट मीन्स पैरेललोग्राम का, और इसका क्या हो गया स्क्वायर, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहीं पे आपका क्रैश कोर्स का जो वीडियो 2 है आपका एंड होता है, और ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिएगा, जो एग्जाम भी से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्लियर है, दैट्स ऑल।